जब भी कभी हमें कोई टफ टास्क करना होता है तो हम खुद को ये कहकर वो टास्क कंप्लीट करने के लिए तैयार करने लगते हैं कि कम ऑन यार, ये कोई रॉकेट साइंस थोड़े ना है। इसका मतलब तो यही हुआ कि रॉकेट साइंस वाकई में टफ हुआ करती है। हाँ बिल्कुल, रॉकेट साइंस में साइंस के ऑलमोस्ट सारे फील्ड्स, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग और मैथ शामिल होती है। ये ऐसा चैलेंजिंग फील्ड है जिसमें रॉकेट्स की डिजाइन और डेवलपमेंट पर फोकस किया जाता है, और इस काम को अंजाम देने वाली टीम में एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल रॉकेट साइंटिस्ट का होता है। ये रॉकेट साइंटिस्ट ऐसे स्पेशलाइज्ड एरोस्पेस इंजीनियर्स होते हैं जो स्पेस मिशंस के लिए रॉकेट्स बिल्ड करने का काम करते हैं। अब आप ही बताइए, है ना ये एक्स्ट्राऑर्डिनरी और टफ टास्क? लेकिन जिसे रॉकेट्स और स्पेस क्राफ्ट अट्रैक्ट करते हैं और जिसे इनके डिजाइन बनाने का आइडिया बहुत ही एक्साइटिंग लगता है, उसके लिए ये एक बेहतरीन और एडवेंचरस करियर हो सकता है। अब ऐसे में अगर आपको भी रॉकेट्स डिजाइन करने की तमन्ना है और इसके लिए आपके पास बहुत से क्रिएटिव और ऑथेंटिक आइडियाज और टेक्निकल नॉलेज है, तो आप भी रॉकेट साइंटिस्ट बन सकते हैं। और इसलिए हमने आज का वीडियो बनाया है ताकि आप जान सके कि रॉकेट साइंटिस्ट कैसे बना जा सकता है, उसके लिए क्या क्वालिफिकेशन चाहिए होती है, कौन से स्किल्स और एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड होता है, करियर स्कोप कैसा होता है और किस तरीके की स्ट्रेटेजी के साथ आगे बढ़ना चाहिए। इसलिए वीडियो को पूरा देखते जाइए क्योंकि अब ये वीडियो रॉकेट की स्पीड में आगे बढ़ने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं और सबसे पहले ये जानते हैं कि रॉकेट डिजाइनिंग एंड बिल्डिंग टास्क में कौन कौन शामिल होता है। रॉकेट और स्पेस क्राफ्ट डिजाइनिंग एंड बिल्डिंग टास्क में शामिल साइंटिस्ट में इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स, मैकेनिकल इंजीनियर्स, सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स, केमिस्ट, फिजिसिस्ट और कंप्यूटर साइंटिस्ट इन्वॉल्व होते हैं, लेकिन इनके रोल लिमिटेड होते हैं, जबकि एरोस्पेस इंजीनियर्स इस टास्क का एक बड़ा पोर्शन हैंडल करते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि ऐसे एरोस्पेस इंजीनियर्स जिन्हें रॉकेट्स और स्पेस क्राफ्ट बिल्डिंग में एक्सपर्टीज हासिल हो, उन्हें रॉकेट साइंटिस्ट कहा जाता है। और एक रॉकेट साइंटिस्ट को रॉकेट्स, स्पेस क्राफ्ट, सैटेलाइट्स, एयरक्राफ्ट और डिफेंस सिस्टम के कंसेप्चुअलाइजिंग, डिजाइनिंग, कंस्ट्रक्शन और टेस्टिंग के पूरे प्रोसेस को लीड करना होता है, और उन्हें डिजाइन के सभी एस्पेक्ट्स जैसे सेफ्टी, कॉस्ट, फ्यूल एफिशिएंसी और एनवायरमेंट पर पड़ने वाले इम्पैक्ट को ध्यान में रखते हुए रिसर्च करनी होती है। रॉकेट साइंटिस्ट अपनी इंजीनियरिंग नॉलेज और साइंटिफिक प्रिंसिपल्स का यूज करके व्हीकल्स को डेवलप करते हैं, और उनकी ड्यूटीज में शामिल होती है व्हीकल्स और सिस्टम्स की डिजाइनिंग, प्रोजेक्ट्स की मैन्युफैक्चरिंग और फैब्रिकेशन को सुपरवाइज करना, स्पेस क्राफ्ट सिस्टम्स के लिए टेस्टिंग मेथड्स और क्वालिटी क्राइटेरिया डेवलप करना, क्वालिटी कंट्रोल इंस्पेक्शंस के रिजल्ट्स को चेक करना, ऑपरेटर्स के यूज के लिए व्हीकल्स और इक्विपमेंट रिलेटेड रिपोर्ट्स और हैंडबुक्स को डेवलप करना एक्सेट्रा। तो इतनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी को पूरा करने के लिए एक रॉकेट साइंटिस्ट में कौन सी एसेंशियल स्किल्स का होना जरूरी है, इसके लिए आपको इस टेक्निकल फील्ड में एक्सपर्टीज हासिल करनी होगी और उसके लिए आपको इन सारी स्किल्स पर कमांड बनानी होगी। क्रिटिकल थिंकिंग एंड लॉजिकल रीजनिंग, डिसीजन मेकिंग, सिस्टम्स एनालिसिस एंड एवोल्यूशन, नेगोशिएशन एंड कोऑर्डिनेशन, गुड जजमेंट, लीडरशिप, टीम वर्क, फोकस ऑन डिटेल्स, क्लियर कम्युनिकेशन, स्ट्रेस टॉलरेंस एंड ऑप्टिमिज्म, तो इन सारी स्किल्स पर आपको कमांड बनानी होगी। और इसी के साथ अब जान लेते हैं रॉकेट साइंटिस्ट बनने की प्रोसीजर के बारे में। रॉकेट साइंटिस्ट बनने के लिए आप डायरेक्ट रॉकेट डिजाइनिंग और बिल्डिंग की प्लानिंग तो शुरू नहीं कर सकते, क्योंकि पहले आपको स्पेस साइंस के हर एरिया के दो सबसे इम्पोर्टेंट डिसिप्लिन्स यानी फिजिक्स और मैथमेटिक्स के बेसिक्स और फंडामेंटल्स कॉन्सेप्ट्स पर स्ट्रॉन्ग कमांड बनानी होगी। इसके लिए आप क्लास 10th के बाद साइंस मैथ्स यानी PCM की स्टडी कर सकते हैं, यानी आपका पहला स्टेप होगा क्लास 12th PCM से क्लियर करना। लेकिन बस इतना ही काफी नहीं होगा, बल्कि आपको क्लास 11th और 12th में फिजिक्स और मैथमेटिक्स के बेसिक्स पर मजबूत पकड़ बना लेनी होगी, और उसके साथ साथ क्लास 12th में अच्छा स्कोर भी बनाना होगा, यानी 75% से ज्यादा। उसके बाद आप एरोस्पेस इंजीनियरिंग में बैचलर डिग्री लीजिए। इसके लिए आपको JEE एडवांस्ड और JEE मेंस के थ्रू बेस्ट इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन लेने की कोशिश करनी चाहिए, ताकि आपकी आगे की राह ज्यादा आसान हो सके। इसलिए इस स्टेप पर आपको हार्ड वर्क करना ही होगा। इसके लिए इंडिया के कुछ बेहतरीन कॉलेजेस के नाम भी जान लीजिए जहाँ से आप एरोस्पेस इंजीनियरिंग कोर्स कर सकते हैं। IIT बॉम्बे, IIT कानपुर, MIT मणिपाल यानी मणिपाल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, IIST तिरुवनंतपुरम यानी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी, SRM यूनिवर्सिटी चेन्नई यानी SRM इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, MET यूनिवर्सिटी और लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी। तो अब आप अपने एफर्ट्स के दम पर ऐसे किसी बेस्ट कॉलेज में एडमिशन लीजिए और वहां से एरोस्पेस इंजीनियरिंग या उससे रिलेटेड फील्ड में बैचलर डिग्री लीजिए, ताकि रॉकेट साइंस फील्ड में करियर बनाने की मिनिमम रिक्वायरमेंट को आप फुलफिल कर सके, और एरोस्पेस इंजीनियरिंग कोर्स को 4 साल में कंप्लीट करते हुए मिनिमम 65% स्कोर करें या 10 के स्केल पर 6.84 का CGPA लाइए।
ग्रेजुएशन के दौरान आपको रिसर्च एंड ट्रेनिंग अपॉर्चुनिटीज जरूर से ग्रैब करनी चाहिए, यानी इंटर्नशिप पे अपना टाइम जरूर से इन्वेस्ट करना चाहिए ताकि आपको प्रैक्टिकल नॉलेज मिल सके और आपके लिए डिजायर्ड इंस्टीट्यूशन या ऑर्गेनाइजेशन में अपॉइंट होने के चांसेस स्ट्रांग बन सके। बैचलर डिग्री के बाद आपको इसरो सेंट्रलाइज्ड रिक्रूटमेंट बोर्ड यानी कि ICRB एग्जाम क्लियर करना होगा। ये एग्जाम क्लियर करने के बाद आप अगर शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट्स में शामिल हुए तो रिटर्न टेस्ट और इंटरव्यू राउंड क्लियर करने के बाद आप इसरो को ज्वाइन कर पाएंगे। और अगर आपने टॉप इंजीनियरिंग कॉलेज यानी IISc, IIT, NIT या IISt से ग्रेजुएशन की होगी तो आपको प्रेफरेंस जरूर मिलेगी। और ऐसे स्टूडेंट जो IISt का एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्टूडेंट होगा यानी एक्सेप्शनल एकेडमिक रिकॉर्ड्स रखता होगा, उसे इसरो में डायरेक्ट रिक्रूटमेंट मिलेगा। लेकिन अगर आप ऐसा नहीं कर पाते हैं तो अपनी नॉलेज और स्किल्स को शार्प करने के लिए आपको मास्टर डिग्री लेनी चाहिए, यानी एयरोस्पेस इंजीनियरिंग में मास्टर डिग्री लेकर के आप रॉकेट साइंस के बारे में और बेहतर नॉलेज गेन कर सकेंगे। और उसके बाद अगर आप PhD करें तो आपके लिए इसरो में साइंटिस्ट की पोस्ट पर रिक्रूट होने के चांसेस भी बढ़ सकते हैं। इसी तरह एजुकेशन कंप्लीट करने के बाद नासा में भी रॉकेट साइंटिस्ट की पोजीशन पर अपॉइंट हुआ जा सकता है, जिसमें बैचलर डिग्री के अलावा मास्टर्स डिग्री भी शामिल हो। और अगर ये एजुकेशन USA से ली जाए तो फेवरेबल रिजल्ट शायद जल्दी ही मिल जाए, जैसे कि कैंट स्टेट यूनिवर्सिटी USA से BS एरोस्पेस इंजीनियरिंग, एमरी रिडल एरोनॉटिकल यूनिवर्सिटी USA से BS इन एरोस्पेस इंजीनियरिंग, राइट स्टेट यूनिवर्सिटी USA से मास्टर ऑफ साइंस इन एरोस्पेस सिस्टम इंजीनियरिंग, और ऑबर्न यूनिवर्सिटी USA से एरोस्पेस इंजीनियरिंग में PhD की जाए और साथ में ट्रेनिंग और एक्सपीरियंस भी इंक्लूड हो। वैसे आपको ये भी बता देते हैं कि इसरो में जूनियर लेवल साइंटिस्ट को मिलने वाली एनुअल सैलरी 3,74,000 से 6,70,000 रुपए तक होती है, और सीनियर लेवल साइंटिस्ट को 6,70,000 से 9,30,000 रुपए तक सैलरी मिला करती है। सैलरी के अलावा साइंटिस्ट को डियरनेस अलाउंस, ट्रेवल अलाउंस, हाउस रेंट अलाउंस, मेडिकल फैसिलिटीज, प्रोविडेंट फंड और पेंशन जैसी अदर सुविधाएं भी मिलती है। और नासा में रॉकेट साइंटिस्ट को मिलने वाली एवरेज एनुअल सैलरी $77,173 हुआ करती है। तो दोस्तों, इस तरह आपके पास रॉकेट साइंटिस्ट बनने से जुड़ी सभी जरूरी जानकारियां आ चुकी हैं, जिनकी हेल्प लेकर आप आसानी से ये तय कर सकते हैं कि क्या रॉकेट साइंटिस्ट बनना आपके लिए परफेक्ट करियर ऑप्शन है और क्या आप इस पोजीशन तक पहुंचने के लिए इतने सारे एफर्ट्स करने को तैयार हैं। इसलिए रॉकेट साइंटिस्ट बनने के इस सफर पर चलने से पहले अच्छी तरह सोचिए, समझिए और फिर आगे बढ़िए, ताकि आपको प्रॉब्लम्स की बजाय प्रोग्रेस ज्यादा मिले। और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, और ये वीडियो आपके लिए कितना हेल्पफुल रहा ये हमें कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताएं। और हाँ, अगर आप पहली बार इस चैनल पर पधारे हैं तो आपका तहे दिल से स्वागत है। क्विक सपोर्ट चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि ऐसी जानकारियां, ऐसी बातें जो आपको हमेशा ग्रो करने में हेल्प करें, ये आप कभी मिस ना करें। रूबी आपसे मिलेगी अगले वीडियो में अगली जानकारी के साथ। तब तक के लिए जुड़े रहिए क्विक सपोर्ट चैनल के साथ। धन्यवाद।